खून की तरकीब यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। खून एक सुर्ख रंग का गाढ़ा मादा है जो हमारे पूरे जिस्म में गर्दिश कर रहा होता है। ये चार चीज़ों या चार हिस्सों पर मुश्तमिल है। उनमें से एक रेड ब्लड सेल्स, दूसरा वाइट ब्लड सेल्स, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा है। प्लाज्मा पीले रंग का एक माया या मादा। रेड ब्लड सेल्स ये सुर्ख रंग के होते हैं और इनका काम ये है कि ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के तमाम खुलियों तक पहुंचाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, नाम तो इनका वाइट ब्लड सेल्स है लेकिन असल में ये बेरंग होते हैं, यानी इनका वाज़े तौर पर कोई रंग नहीं होता। ये साइज़ के लिहाज से रेड ब्लड सेल से खासे बड़े होते हैं। असल में इनका काम ये है कि ये हमारे जिस्म को हिफाजत मुहैया करते हैं, हमारे जिस्म का दिफा करते हैं, और जो जरासीम बाहर से हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये उन जरासीमों को मार देते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी चीज़ जो है प्लेटलेट्स, इनका काम ये है कि अगर जिस्म में कहीं कोई ज़ख्म लग जाए तो इस सूरत में ये बहने वाले खून को जमने में मदद देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ से खून निकल रहा होता है वहाँ हमारे जिस्म के खून निकलने वाले हिस्से के सिरे पर खून जम जाता है, एक खरिंड सा बन जाता है, और वो खरिंड फिर क्या करता है, वो मजीद खून को बहने से रोक देता है। और खून की चौथी और आखिरी जो किस्म है, किस्म नहीं कहना चाहिए, हिस्सा है, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा में ज़्यादातर पानी शामिल होता है और जो हजम शुदा खुराक के हिस्से हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे इस्तेमाल शुदा मादे, वो प्लाज्मा में शामिल होते हैं।